इनमें से वो तो स्पेशली बिल्कुल मिमी जैसी है। आप स्टार्टिंग में मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकन इसका नाम बॉब है। अच्छा, ये एक पैक नाम का डॉग इन बोर्ड हुआ था। ओके, थाईलैंड से ये उसका डायरेक्ट कर रहा है। सभी के सभी फिरा कर बैठे कि जैसे इसका कैमरा नीचे आए और हम इसको दबोच ले। यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज मैं जो है अभी दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग है अमेरिकन बुली। तो हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने घर पर बहुत सारे अमेरिकन बुली रखे हुए हैं दिल्ली के अंदर, तो आज दिखाएंगे उनको मेंटेन कैसे किया जाता है और साथ ही साथ उनकी फैमिली से मिलवाऊंगा और बहुत फन होने वाला है इस व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल जो है मैं भैया के घर के बाहर हूँ, तो अभी चलते हैं। भैया क्या हाँ जी भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो आज भैया के पास हमारा आना हो रहा है और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकन बुली बहुत सारे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को, अपने बारे में बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया डॉग्स रखते हुए, थोड़ा प्लीज बताइए। भाई मेरा नाम ऋषभ चावला है, मैं दिल्ली पटेल नगर से हूँ, यहीं पे डॉग रखता हूँ। मुझे तो 15-16 साल हो गए डॉग रखते हुए। तो ठीक है, तो मैंने काफी सारे इससे पहले काफी ब्रीडें रखी हुई है। हाँ। इससे पहले जर्मन शेफर्ड, बुल मैस्टिफ रखा हुआ, पिट बुल भी रखा हुआ, रॉटवीलर भी रखे हुए, मतलब सारी ब्रीड ऑलमोस्ट जितनी एक ब्रीड हम कह सकते हैं कि एक टाइम में एक लोग रख, मतलब जो मेरा शौक था उस टाइम पे। अच्छा, शौक के साथ साथ धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती रही। उस टाइम पे मैंने रखा, लेकिन मुझे कोई भी डॉग सूट ही नहीं हुई। अच्छा। मेरे यहाँ कभी बच्चे नहीं होते थे। अच्छा। कभी होते तो टाइम से पहले हो जाते थे, कभी टाइम पे हो गए तो दूध में पॉइजन आ जाता था। तो बच्चे मेरे को अक्सर, मैंने लोगों से एडवाइस भी ली, लेकिन किसी ने सही एडवाइस नहीं दी इस काम पे। तो अभी फिलहाल अमेरिकन बुली, अभी अमेरिकन बुली मुझे सूट हो गई, बच्चे इजीली हो जाते हैं घर पे। हाँ। ब्रीड भी अच्छी है, ब्रीड अच्छी है, फ्रेंडली है। कितना टाइम हो गया अब अमेरिकन बुली, पहला डॉग कितना टाइम पहले लेकर आए थे? पहला डॉग तकरीबन मुझे 3 साल हो गए। इनमें है इनमें से कोई वो पहला डॉग? हाँ, वो फीमेल है एक मेरी एक। अच्छा, सही है। और अभी फिलहाल लेटेस्ट आप ये लेकर आए हो? लेटेस्ट डॉग है, आपने नाम सुना होगा लेलिक लोटा गुची बैट, जो थाईलैंड से इंपोर्ट हुआ था डॉग। हाँ हाँ। उसका फिर उन्होंने फादर मंगा लिया। अच्छा, बाहर से। तो ये उसके लेलिक लोटा के फादर का बेटा है, मतलब गुची का भाई है एक तरीके से। हाँ, बाय फादर साइड। सही है। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल इनको जो है छत पे लेकर आए हैं। जब भी आप जैसे दिल्ली, ओ ओ ओ ओ, किस बात का अटैक कर रहे हैं भाई मुझ पे? तो इनमें से वो तो स्पेशली बिल्कुल मिमी जैसी है। तो एक एक करके भैया प्लीज हमारे को सभी से मिलवाइए, कौन कौन है यार, किसका क्या क्या नाम है, कितनी कितनी एज है, बताओ तो जरा। इसको हम प्यार से काली कहते हैं। अच्छा, ये ब्लैक फीमेल है हमारी, अमेरिकन बुली। कितनी एज है इसकी? 2 साल की होने वाली है, अभी 2 साल की होने। अच्छा, और उसके साथ ये दूसरे वाली है, ये कौन है? ये भी इसकी बहन है, ये सगी बहन। सगी बहन है? सगी बहन। अच्छा, दोनों एक ही से एक ही लिटर से? बिल्कुल। अरे भाई बस भाई, सगी बहन है, अलग भी रही है, बस एक एक थोड़ी सी कलर में दूसरी है, एक कलर में दूसरी है। ये इसका थोड़ा टाइप अलग है, ये टाइप थोड़ा अलग हो जाता है। अच्छा, ये मदर साइड पे चली गई। हाँ, ये फादर साइड पे आ गई। ओके, तो ये दोनों की दोनों बहनें हो गई। और ये कौन है, थोड़ा इसके बारे में बताइए यार। आप आपने सुना होगा एक डॉग इंपोर्ट हुआ था। हाँ, एक्सटेसी। अच्छा, ठीक है जी। ये एक्सटेसी की डायरेक्ट डॉटर है। ओके, इंडिया के अंदर वो दूसरे नंबर का सबसे छोटा डॉग आता है। अरे भाई बस भाई बस। अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा डॉग आता है। ओके। जो पहले नंबर का डॉग है वो भी उसी का सन है। अच्छा, ये टर्बो की डायरेक्ट बहन है। ओ अच्छा, फादर साइड से। फादर साइड से मदर इसकी ये है हमारी, ये फोन वाली। आपने आप बता रहे थे कि इसको कोई दिक्कत हो गई थी आप कुछ? हाँ, इसने जहर चाट लिया था, पॉइजन चाट लिया था एक महीना पहले। तो ये अच्छा, काफी मुश्किल से रिकवरी में आई है अभी। ओ, मेरे को लगा थोड़ा सा इसको देख के भी ना कि इसको कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ये काफी अभी, बट अभी रिकवरी मोड में है। हाँ। तो घर पे सारे के सारे सभी प्यार करते हैं फैमिली में डॉग्स को, सब शुरू से? बिल्कुल, मुझे सारे लोग सपोर्ट करते हैं इनको रखने में। हाँ, सबसे मेन चीज सपोर्ट है भैया। अगर आप, मुझे घर से मेन सपोर्ट मिलती है क्योंकि मेरा ये प्रोफेशनली काम नहीं है इतना। अच्छा, मेरा प्रोफेशन है मोबाइल रिपेयरिंग का। अरे वाह, मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की अपनी दुकान है गफार मार्केट में। सही, ठीक है। तो फायर मार्केट में भाई बहुत खतरनाक बता रहे हैं भैया कि जाना पड़ेगा। भैया की, भैया किस नाम से ये भी बता दो हमारे। मोबाइल, ऑल मोबाइल रिपेयरिंग, ऋषभ चावला। सही है जी, ठीक है। ओके, तो मुझे ये बताओ भैया कि जैसे जब आप इतने सारे डॉग्स को आप मेंटेन रखते हो, स्पेशली आप दिल्ली जैसे शहर में जब आप रहते हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि डाइट देना ऐसी ब्रीड को, देखो अगर हम अमेरिकन बुली एक ऐसी ब्रीड है जो गर्मी भी सहन कर सकती है, जिसको ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती। ये ऑल सीजन ब्रीड है, जैसे ये हेलो देखो इनका जो कोट है ना, वो ऐसा कि ना ज्यादा गर्मी लगती है इनको, ना ज्यादा सर्दी लगती है।
तो इनको डाइट क्या देते हो आप फिलहाल यहाँ पे? डाइट तो वैसे मैं चिकन देता हूँ। अच्छा, चिकन वैसे मैं बाहर की डाइट बहुत की कम देता हूँ। कम देते हो, मतलब डॉग फूड कम देते हो आप? बिल्कुल, जब कभी बच्चे होते हैं ना हमारे लीटर, जब कभी हमारे पे भी लीटर होता है वो जिस टाइम में डाइट चलती है थोड़े बहुत टाइम, वो भी मुश्किल से एक महीना। तो क्या मतलब दिन में क्या डाइट रहती है और कितना टाइम डाइट देते हो थोड़ा बताओ ना? गर्मी में तो मैं थोड़ा सा बस सुबह देता हूँ कर्ड, दही देता हूँ सुबह, ठीक है। रात के टाइम पे इनको चिकन, राइस और एग देता हूँ। अच्छा, रात की मतलब एक मील इनको आप बहुत प्रॉपर देते हो, दूसरी सिर्फ इनके शरीर में गर्मी के टाइम में ठंडी रखने के लिए कर्ड या लस्सी टाइप। बिल्कुल। तो ये देख रहे हो यहाँ पे अभी पानी से खेल रहे हैं। ओके, तो अभी फिर फिलहाल एक डॉग रह गया है जो सबसे मेन आपका जो स्टड है। तो गाइस, जितनी आपको अभी हमने तीन डॉग्स दिखाए हैं वो तीनों फीमेल्स हैं जिनके साथ इन फ्यूचर भी, पहले भी इनके पास एक बार लीटर हुआ है भैया के पास, और फ्यूचर तो भैया जो है प्रोफेशनली अभी ऐसे नहीं करते कि हर ये एक टाइम टू टाइम आप एक ब्रेक लेकर जो है जब भी आप लीटर लेते हो एक ब्रेक लेकर लेते हो, राइट? बिल्कुल। और हमेशा भैया ये कोशिश करते हैं कि एक अच्छा स्टड यूज करें उसके लिए। इसमें आप चाह के भी ना साल में दो बार बच्चे ले ही नहीं सकते अमेरिकन में, क्योंकि इसमें वो ब्रीड डिफरेंट है, वो ब्रीड ही डिफरेंट सर्जरी नहीं होती है, आप कराओगे फीमेल डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक तीसरे जो भाई साहब है ये जो इनके अभी कितना टाइम हुआ है इसको आए हुए? इसको एक महीना हुआ है। एक महीना हो चुका है इसको। वाओ, इसका नाम बॉब है। अच्छा, ये एक फैक नाम का डॉग इंपोर्ट हुआ था। ओके, थाईलैंड से ये उसका डायरेक्ट सन है। वाओ, और मतलब इंपोर्ट का सन है भी। हाँ, इसका लीटर भी उनके पास को रखा है एक लीटर। वाओ, सो गाइस अमेरिकन बुली जैसी ब्रीड दिल्ली में बहुत कम लोग जो है मैंने कम लोगों के पास देखी है, स्पेशली मतलब मैं दो तीन बंदों के पास आ सकते तीसरे भैया है, पर सबसे मेन चीज ये कि उसको मेंटेन करना पता होना चाहिए आपको, अमेरिकन बुल्ली स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं किस तरीके से। भैया ने जो स्टड चूज किया है मुझे लगता है वो बहुत अमेजिंग स्टड है, और अगर किसी के पास यहाँ पर अमेरिकन बुल्ली की फीमेल है और वो क्रॉसिंग के लिए अगर कोई स्टड चाहते हैं तो मैं भैया का ये डॉग तो बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, बिकॉज मैंने खुद अपनी लाइफ देखा है, खुद इसके मसल्स तो लेके, एंड इज वेरी यंग। कितने टाइम का अभी? एक साल का ही है अभी। वेट, अभी सिर्फ एक साल का है, अभी एक डेढ़ साल और के बाद जब ये पूरा निखरेगा खुलेगा दो ढाई साल ग्रोथ असली ग्रोथ आनी बाकी है इसकी। हेड साइज बड़ा होगा, रिंकल आएंगे, बिल्कुल बॉडी में शेप कटिंग आएगी, शेप आ जाएगी। सबसे मेन चीज है ब्लड लाइन भैया, इसकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने मुझे बताया इसकी ब्लड लाइन बहुत, इसकी मदर साइड रह गई। इसकी मदर आपने सुना होगा नाइट मेरे एक डॉग इंपोर्ट होता है यूएसए से, ब्लैक कलर, बहुत सुंदर डॉग था। जी 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 जी। उसकी एक फीमेल बिकी थी 2.5 लाख रुपए की। ओके, मिस पोगो। ओके, ये मिस पोगो का बच्चा है और एक फयाक का डायरेक्ट सन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत अच्छी ब्लड लाइन। और आपने इसको कहाँ से? पंजाब से लिया है? पंजाब से लिया है, पंजाब से। तो गाइस पंजाब में ना आज के टाइम में शुरू से ही पंजाब में मैंने एक चीज देखी है, पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छे स्पेशली चाहे एनिमल कोई भी हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, डॉग हो, ब्रीडिंग हमेशा अच्छी होती है, अच्छी ब्रीडिंग, क्योंकि समय दिया जाता है वहाँ पे, फुल टाइम दिया जाता है। बहुत प्यारा बच्चा है, ओए ये अभी आया था, ये बिल्कुल ड्रिल जैसा है, बिल्कुल ड्रिल जैसा है, और ये सेम ही जैसी है, प्यारा बच्चा। ओके, सो अभी हम फिलहाल नीचे वापस आए हैं। सो भैया कितना मतलब मेंटेन करना कितना मुश्किल है इनको आपके हिसाब से, क्योंकि अभी आपको 2 साल ही हुए हैं सिर्फ, आप समझो है ना, पहला डॉग लेकर आए हो, उसके बाद जितना डॉग वो बड़ा हुआ तब से अब तक, तो कितना जब आपने रॉटवाइलर रखा, जब आपने और भी ब्रीड रखी, उनसे और इसमें कंपैरिजन में कितना कितना फर्क है? हर एक ब्रीड का अपना नेचर होता है ना, सबका रख रखाव अपना अलग है, डाइट अलग है, बिल्कुल है ना, सबको टाइम देना अलग होता है, सबका टाइमिंग बिल्कुल ब्रीड अलग होती है। तो ये इनका क्या होता है भाई, इनको सिर्फ 2 टाइम डाइट चाहिए, ठीक है, ठीक है, अपने टाइम आने पर टाइम टू टाइम, मेन चीज होती है इनमें डिवॉर्मिंग। अच्छा, डिवॉर्मिंग का मेन चीज, क्योंकि इनका कोट खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी। ओके, डिवॉर्मिंग नहीं होगी, फीड ढंग से नहीं मिलेगी, टुकआउट खराब हो जाएगा। ओके, बस 2 टाइम डाइट और अच्छा मेन, अच्छा इसका अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा मेंटेन करके रखो, अच्छा टेंपरेचर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं आप ये सजेस्ट करोगे कि ये ब्रीड ऐसी ब्रीड है कि अगर कोई अपार्टमेंट्स या फिर फ्लैट्स में रहता है तो उनके लिए बेस्ट है ये ब्रीड। अपार्टमेंट तो फ्लैट तो ठीक है, इसे कोई लेडीज भी रख सकती है। जैसे ऐसा नहीं कि एक जैसे डॉग होता है थोड़ा हार्ड होता है तो मतलब ये दिखने में खूंखार है ये, वैसे नेचर इनका बहुत शांत है। आपका जवाब बिल्कुल सही था, ये खूंखार है, ज्यादा लोग ऐसे ना पिटबुल से गाइड करते हैं, आप किसी अननोन बंदे को दिखाओ कि भैया ये डॉग है मेरे पास, वो आपको सबसे पहले शब्द होगा पिटबुल है क्या, पिटबुल है क्या, सबसे चीज पिटबुल। बट गाइस पिटबुल और इसमें बहुत फर्क है, देखो पिटबुल पहले तो साइज में बहुत बड़े होते हैं, दूसरा पिटबुल का जो नेचर है ना वो एग्रेसिव विद टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक पिटबुल एग्रेसिव है, वो तो रखने रख खाव के होता है, वो पग भी काट सकता है वैसे तो, है ना। बट अमेरिकन बुली के अंदर जो एक नेचर है वो शुरू से शांति वाला, वो बुलडॉग की वजह से या बुलडॉग ब्लड के अंदर होने की वजह से बुलडॉग शांत होते हैं, मतलब बुलडॉग बहुत कम एग्रेसिव दिखते हैं, तो ये बस दिखने में एग्रेसिव है, और ये तो बस ये शरारती जरूर है, ये अभी मेरे माइक के पीछे जरूर कितनी देर से लगे हुए हैं आज मुझे लग रहा है। देखो सारे के सारे ना वो एक वो तो नीचे छुपा हुआ है,
सभी के सभी फिराक में बैठे कि जैसे इसका कैमरा नीचे आए और हम इसको दबोच ले। वाह यार ये सही है। तो घर में वालों को दिक्कत नहीं होती इतने सारे डॉग रखे हैं? मेरे घर वालों ने अलाउ करा, मेरे घर वाले ही मदद करते हर एक चीज में। सही है यार। कभी मैं जब काम पे होता हूँ तो मेरे घर वाले ही मेरे बच्चों को डाइट कराते हैं, इसके जो लीटर होता है। अच्छा, कोई अगर आपकी वीडियो देख के सपोज कल को कोई बच्चा अमेरिकन बुली ले लेता है ना, या कोई भी इंसान अमेरिकन बुली ले लेता है ना, अब उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आप उसके घर वालों को क्या बोलना चाहोगे अमेरिकन बुली ब्रीड के लिए स्पेसिफिकली? अब मैं अपनी वाइफ से मिलाना चाहूंगा आपको, एक मिनट। हेलो अभी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं होती अमेरिकन बुली इतने इतने सारे रखे हुए हैं भैया ने? पहले होती थी मुझे जब मैं आई थी। आपको शुरू से डॉग्स पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये धीरे धीरे करके डॉग लवर बना गए। जब हमारी शादी हुई थी उन्होंने जब भी कह दिया था कि या तो मुझे रखना या डॉग्स करोगा वो सब। ठीक है, तो आज ये टाइम है जो आपने शायद मेरी ब्लैक वाली फीमेल देखी होगी, वो अक्सर कहती है कि मैं अपने घर जाऊंगी तो ब्लैक वाली फीमेल को लेके जाऊंगी। वो धीरे धीरे करके डॉग लवर बन जाता है। जिसको भी डॉग पसंद नहीं है वो मैं अदर डॉग की नहीं कहता, एक बार अमेरिकन बुली रख के देखे घर में, गारंटी से पसंद हो जाएंगे। ये बात तो माननी पड़ेगी, है ना? और बाकी जैसे भाभी को तो डॉग्स पसंद है, बाकी सभी घर वालों को डॉग्स पसंद है? बिल्कुल, मेरी मम्मी मम्मी सबको पसंद है। इधर आंटी बैठे, कैसे आंटी आप? बढ़िया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे डॉग्स भैया आपको आपने रखने दिए हैं, मतलब घर वालों का सबसे मेन होता है। तो मेरे घर वालों ने तो पहले नहीं रखने दिए थे, धीरे धीरे करके घर वालों को वही सेम आदत पड़ गई जो आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे ना, फिर वो एक टाइम ये आ जाता है कि डॉग के बिना घर अच्छा नहीं लगता फिर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल मानी एक्टिविटी बनी जाती है। तो जैसे अभी ये बीमार हो गई थी तो उसके साथ इसके टाइम में बहुत कंडीशन आपको दिक्कत आ रही होगी? ज्यादा, मेरे को अपने काम की छुट्टी करनी पड़ी, इन मेरे घर वालों को भी अपना घर का काम भी बहुत धीरे धीरे करना पड़ा। ये मैं तो फिर भी काम पे चला जाता था, फिर मेरी मम्मी और मेरे पापा लेके जाते थे इसको हॉस्पिटल। दिन में दो टाइम ट्रीटमेंट चलता था, मॉर्निंग। आंटी आपको कोई तकलीफ नहीं हुई कभी? कुछ नहीं हुआ शुरू से। वैसे भाइयों ने तो शुरू से ही डॉग रखे होंगे, 15-16 साल हो गए मेरे को डॉग रखते हुए। जब मतलब आप बिल्कुल यंग एज में होंगे तब से, जब क्योंकि हम भी उसी टाइम से ये डॉग रख रहे हैं जब 15-17 साल का होता है, वो पहला डॉग लाने की इच्छा तभी जागती है इंसान की। वाह यार, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी भी किसी भी फैमिली से मिलता हूँ भैया जो डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज आज के टाइम में ना देखो, इंसान को इंसान से प्यार नहीं करता तो जानवर तो बहुत दूर की बात है ना। तो उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट दिल में रहती है जो लोग एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, किसी भी टाइप का एनिमल हो, कोई भी ब्रीड का एनिमल हो, है ना। और जब आप अमेरिकन बुली जैसी ब्रीड पालते हो तो आपको अफेक्शन पता लगती है कि प्यार क्या होता है, क्योंकि आपको पलट के प्यार करते हैं। ये ब्रीड ऐसी है कि आपको हमेशा पलट के प्यार करेगी, आप इनको कुछ खाना दोगे तो आपके साथ साथ घूमेंगे। सही बात है। बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच। बाकी गाइस, भैया के पास बहुत सारे अमेजिंग लीटर होते हैं। भैया का इंस्टाग्राम, भैया की सारी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे दूंगा। और अगर आपको स्पेशली कोई आपके पास यहाँ पे अमेरिकन बुली फीमेल और इफ यू वांट टू क्रॉस, तो आपको ये अमेजिंग बच्चा है यहाँ पे, भैया के इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फोटोज इसकी दिख भी जाएगी। थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। ऐसी अमेजिंग फैमिली से जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एंड हमारी ऑडियंस को भी वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।